नमस्कार, स्वागत सभी का। एक और सूचना, सूचना 2 दिन पहले आ चुकी थी और आपको दे रहा हूँ आज। उसके लिए हूँ आपसे क्षमा प्रार्थी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और सूचना है NTA UGC की तरफ से, सूचना है NTA UGC की तरफ से 4 और 5 जनवरी 2022 को सोशोलॉजी और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके एडमिट कार्ड की सूचना आ गई है वेबसाइट पर। सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, सोशोलॉजी का कोड नंबर है 05 और भूगोल का है 80। इन दोनों सब्जेक्ट के एडमिट कार्ड का लिंक और सूचना आई है वेबसाइट पर। जाइए NTA UGC की वेबसाइट पर और वहां से NTA UGC की वेबसाइट पर जाइए और वहां अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या फिर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए, अपने एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और सूचना है, सूचना ये है कि सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर और उड़िया, तेलुगु, इन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया गया था और साथ साथ कन्नड़ का एग्ज़ाम और हिंदी विषय का बहुत से सेंटरों पर एग्ज़ाम फिर से रीशेड्यूल किया गया है। उसके एडमिट कार्ड की सूचना अभी नहीं आई है वेबसाइट पर, लेकिन जैसे ही आएगी आपको अपडेट दे दिया जाएगा। अभी जो सूचना आई है वह केवल सोशोलॉजी और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के 4 और 5 जनवरी 2022 को होने वाले एग्ज़ाम के लेकर आई है। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, जाइएगा, निकाल लीजिएगा। 3 बातों का ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज ज़रूर निकालिएगा, चाहे कलर या ब्लैक एंड वाइट। एग्जामिनेशन सेंटर पर अपना एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ साथ लेकर जाइएगा और साथ ही साथ में अपनी 2 या 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी साथ लेकर जाइएगा। एक बात और, एग्ज़ाम में स्क्रीन पर आपके समक्ष एक साथ 150 क्वेश्चन आएंगे। उन 150 क्वेश्चनों में से आप चाहे जिस भी पेपर 1 को या पेपर 2 को कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ जो हर बार होता था कि पहले 50 क्वेश्चन आते थे पेपर 1 के, वह समाप्त होने पर हम फिर अगले क्वेश्चन का वेट करते थे, अब ऐसा नहीं है। एक साथ 150 क्वेश्चन आएंगे। आप चाहे तो पेपर 1 को भी पहले कर सकते हैं, चाहे तो पेपर 2 को भी पहले कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर 1 के कर लिए आधे घंटे में, कुछ क्वेश्चन पेपर 2 के कर लिए आधे घंटे में, फिर आप पहले पेपर में गए, फिर ऐसे शिफ्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वही समय रहेगा। और जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे, यदि आपको वहां कोई तकनीकी समस्या होती है, कोई सिस्टम की समस्या होती है, तो एग्ज़ाम खत्म होने के बाद UGC की वेबसाइट पर अपने एडमिट कार्ड को अटैच करते हुए एक ईमेल कीजिए कि जिस सेंटर पर आप गए थे एग्ज़ाम दिया था, वहाँ की सुविधाएं, व्यवस्थाएं क्या थी, नहीं तो आपका जो नुकसान होगा एग्ज़ाम में उसकी सुनवाई UGC नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत से एग्जामिनेशन सेंटरों पर एग्ज़ाम इसीलिए रीशेड्यूल भी किया गया कि तकनीकी समस्या बच्चों को आई, सेंटर पर सिस्टम ठीक नहीं थे। यदि आपके समक्ष ऐसी समस्या आती है तो यह है, फीडबैक ज़रूर भेजिएगा UGC को। NTA की वेबसाइट पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में UGC का ईमेल आईडी मैं भी आपको दे दूंगा, ताकि आप अपनी समस्याओं को फीडबैक के रूप में वहां जरूर भेज सके। और फिर से यही रिमाइंडर कि सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी का एडमिट कार्ड आया है, जाइए निकाल लीजिए। पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं और 1 जनवरी है आज के नव वर्ष की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल बदला है, उम्मीद करते हैं आपका समय और आपका वर्तमान और भविष्य दोनों ही परिवर्तित हो। नमस्कार, पुनः जय हिंद।